अस्सलामुअलैकुम। तो आज जो हमने शुरू की है वोकेबरी की, डॉन वोकेबरी है, ये डेली के हिसाब से वर्ड्स आएंगे। तो पहला जो वर्ड्स है वो है स्क्रूटनी। स्क्रूटनी इज़ एन एडजेक्टिव जिसका मतलब है जांच पड़ताल, ठीक है, छानबीन करना। जैसे आप पिक्चर में देख रहे हैं कि कैसे एक डॉक्टर डेंटिस्ट है वह एक अपने मरीज़ की जो है जांच पड़ताल कर रही है। पिक्चर को देख के आप इसको जहन नशीन कर सकते हैं। तो आइए इसकी एक डेफिनेशन देखते हैं कि इंग्लिश में तो द केयरफुल एंड डिटेल एग्जामिनेशन ऑफ समथिंग इन ऑर्डर टू गेट इंफॉर्मेशन अबाउट इट, यानी कि केयरफुल और डिटेल एग्जामिनेशन, किस चीज़ की केयरफुल और डिटेल एग्जामिनेशन जो है ताकि उसके बारे में इंफॉर्मेशन हासिल की जा सके। तो वो क्या कहलाती है? वो स्क्रूटनी कहलाती है, स्क्रूटनी कहलाता है। तो मिसाल के तौर पर हम देखें, द गवर्नमेंट गवर्नमेंट्स रिकॉर्ड विल बी सब्जेक्टेड टू कम अंडर स्क्रूटनी इन द वीक्स बिफोर द इलेक्शन, यानी कि इलेक्शन से एक हफ्ता पहले जो गवर्नमेंट्स का रिकॉर्ड है वो जांच पड़ताल, उसे उसकी जांच पड़ताल की जाती है, ठीक है। तो ये इसमें ये स्क्रूटनी है। इसकी एग्जांपल हमने देखी, इसकी डेफिनेशन आया, इसके कुछ सिनोनिम्स देखते हैं और कुछ एंटोनिम्स देखते हैं। तो सिनोनिम्स में इसका जो आ जाते हैं एनालिसिस, ठीक है, किस चीज़ का को एनालाइज करना, ठीक है, उसके बाद एडजुडिकेशन है वो भी इसके सिनोनिम्स आ जाए, कंसिडरेशन है वो भी इसके सिनोनिम्स, सेम मीनिंग है। तो उसके बाद एंटोनिम्स जो उसके अपोजिट मीनिंग है, लाइक इग्नोरेंस है, ठीक है, नेगलेक्ट है, नेगलिजेंस है, ये सब इसको एंटोनिम्स में आ जाते हैं। तो आज ये पहला लफ्स है। उसके बाद कोशिश की जाएगी कि डेली के हिसाब से ना एक वर्ड उसके सिनोनिम्स एंटोनिम्स जो है वो आपको दूँ।